शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पे लीगल रीजनिंग में हम कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को डील कर रहे हैं और आज डील करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 19। बेसिकली डील कर रहे हैं हम राइट टू फ्रीडम, एंड राइट टू फ्रीडम का स्कोप काफी बड़ा है। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 ही यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, 20, 21, 22 तो इंक्लूडेड रहता है, लेकिन हम लोग आज यहाँ पे स्पेसिफिकली कहाँ फोकस करने वाले, आर्टिकल 19 पे फोकस करेंगे और आर्टिकल 19 में दिए गए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पर फोकस करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली होता है कि हमें जनरल प्रिंसिपल समझ आ जाता है, लेकिन जब हमें उसके एक्सेप्शन पढ़ने पड़ते हैं और उन एक्सेप्शन को अप्लाई करना पड़ता है, तो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग या कह सकते हैं कि लीगल थिंकिंग हमको और अच्छे से अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन होने के चांसेस हमारे पास ज्यादा होते हैं। सो इस सेगमेंट को हमें इसी तरीके से समझना है, जहां हमें लीगल पॉइंट दैट इज टू से हमारा जनरल कंसेप्ट तो समझना ही है, उसके साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दैट इज टू से एक्सेप्शन भी समझने हैं। क्लियर? एंड उससे पहले आई एम वेरी हैप्पी दैट मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द होमवर्क दैट आई गेव इट टू यू इन द लास्ट सेशन, दैट इज परजरी का मीनिंग मैंने आपसे पूछा था, जिसका मीनिंग आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताया है। आई विल बी कॉलिंग आउट द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क एट द एंड ऑफ द सेशन। और आज के भी सेशन में हम आपको एक छोटा सा होमवर्क देंगे और वो होमवर्क आपको इसी क्लास में करना है। इसी क्लास में करना है मतलब इसी क्लास में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सो बी वेरी अलर्ट व्हाइल वी आर डिस्कसिंग ऑल द सेगमेंट्स अंडर दिस सेशन। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात होती है, किसकी बात होती है, जब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात होती है, ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स विच हैज कनेक्शन विद ऑल द सब्जेक्ट्स, बी इट योर क्रिमिनल लॉ, बी इट योर सिविल लॉ, बी इट योर पर्सनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या हो जाता है, आईपीसी आ जाता है, आपके और कोई माइनर क्रिमिनल लॉज या माइनर क्रिमिनल एक्ट्स वो सब आ जाते हैं। सिविल लॉ मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गया, मनी डिस्प्यूट्स हो गया है, आईपीआर डिस्प्यूट्स हो गए हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सारी चीजें आ जाती है। पर्सनल लॉ में क्या आता है, जैसे हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, ओके, सो पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड जो भी लॉज होते हैं वो हमारे पर्सनल लॉज में आते हैं। सो हर जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशन का रोल देखने को क्यों मिलता है स्टूडेंट्स, बिकॉज मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बोला था दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज दी ग्रंड नॉर्म। क्या है, ग्रंड नॉर्म है ये स्टूडेंट्स। जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे अपने कॉलेज डेज में, तब आपको रियलाइज होगा व्हाट इज मेंट बाय ग्रंड नॉर्म। एक बार वापस से आपको ये वर्ड रिकॉल होगा, ग्रंड नॉर्म मीन्स द सुप्रीम लॉ, या फिर मैं कहूँ द फंडामेंटल लॉ अगेंस्ट विच नो लॉ इन द कंट्री कैन गो कॉन्ट्री। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इकलौता ऐसा लॉ है जिसके अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध, जिसके इनकंसिस्टेंट और इंडिया में कोई भी लॉ नहीं हो सकता है। एंड अगर होता है तो हमारा जुडिशरी अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करके उस लॉ को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। वी ऑल नो दैट जुडिशरी हैज बीन वेस्टेड विद द पावर्स टू सी दैट द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉज इज डन और नॉट। हालांकि ये काम एग्जीक्यूशन का है, एग्जीक्यूटिव का, बट वाइल एग्जीक्यूटिव इज एग्जीक्यूटिंग दीज लॉज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू सी इफ एनी लॉ इज गोइंग इन कंसिस्टेंट और कॉन्ट्री टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन जुडिशरी इज देयर टू यूज देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो वैसे ही स्टूडेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बात किया कि हमारे पास काफी सारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं ना। ओके, सो आज का आपका फर्स्ट होमवर्क इज नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, अब कितने हैं, राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करने के बाद कितने हैं स्टूडेंट्स, इज इट 5, इज इट 6, इज इट 7, यू हैव टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर है, पहला होमवर्क हो गया ये। दूसरा होमवर्क मुझे आगे याद आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। ठीक है, तो इन सारे फंडामेंटल राइट्स में से एक फंडामेंटल राइट आता है हमारे पास, राइट टू फ्रीडम। किसका अधिकार है, आजादी का अधिकार है। अब आजादी का अधिकार में भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल नंबर 19 नहीं, आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक हमारे पास राइट्स हैं। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 में हमें कुछ प्रोटेक्शन दे रखा है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम अपने फ्रीडम को अच्छे से एक्सरसाइज कर सके स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर राइट्स दे रखे, और वो बंडल ऑफ राइट्स किस में मेंशन्ड है, आर्टिकल नंबर 19 में मेंशन्ड है। आर्टिकल नंबर 19 को हम जनरली कौन से नाम से जानते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ दे रखा है, आर्टिकल 19(1)(a) में दे रखा है। बाकी सबका क्या, वी हैव बी सी डी ई जी एफ कहाँ गया,
ABCDEF, F अगर आप देखोगे G है, F अगर हम देखें तो हमारा किससे डील करता था, राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव हुआ एज अ फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पर हमारे पास इधर से जो क्लॉज था वो भी रिमूव हो गया। क्लियर है? सो नाउ यू सी, जब हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते तो दैट डजंट मीन कंप्लीट आर्टिकल 19, इट मीन्स जस्ट एंड जस्ट आर्टिकल 19(1)(a). बाकी और भी सारे क्लॉजेस हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं, क्योंकि 19 का स्कोप बहुत ज्यादा बड़ा है। सो आर्टिकल 19 में हमें कुछ ऐसे फ्रीडम्स दे रखे हैं जिनको एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास राइट्स होने चाहिए, और वो राइट्स कहाँ है, क्लॉज ए से लेके क्लॉज जी तक। देन अंडर आर्टिकल 20 वी आर गिवन प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन। किसी पर्सन का विदाउट एनी ग्राउंड कन्विक्शन नहीं हो सकता, इलीगल अरेस्ट नहीं हो सकता। अगर एक पर्सन को आपने एक बार किसी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दे दिया है तो दोबारा से उस पर्सन का कन्विक्शन नहीं होगा। दैट इज सेड टू बी द कंसेप्ट और द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी। नो पर्सन कैन बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस फॉर विच ही हैज बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड। अगर मान लो कन्विक्ट भी नहीं हुआ, एक्विट भी हो गया है, तो वापस से सेम फैक्ट सेम ऑफेंसेस के लिए आप उस पर्सन को ट्राई नहीं कर सकते। बट इफ यू थिंक दैट दे आर डिफरेंट फैक्ट्स एंड डिफरेंट ऑफेंसेस दैट आर बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड, देन फॉर दैट पर्पस यू कैन डेफिनेटली कन्विक्ट दैट पर्सन और ट्राई दैट पर्सन अगेन। ओके, क्लियर है? सो दैट इज योर आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब स्टूडेंट्स अगर आर्टिकल 21 को देखें तो बेरेट में इसकी सिर्फ एक लाइन में इसको सम अप कर रखा है, बट इसका स्कोप सबसे ज्यादा बड़ा है। वी हैव बीन सीइंग कि हमारे सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स ने विद टाइम इतने सारे प्रीसीडेंट्स दिए हैं कि हमारे पास एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर इन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बी इट राइट टू अ गुड एनवायरमेंट, राइट टू फूड, लाइवलीहुड, शेल्टर, अर्निंग, राइट टू स्लीप, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू साउंड स्लीप, ये सब हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आता है। इनफैक्ट फॉर दैट पर्पज इवन राइट टू प्राइवेसी, पुट्टू स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, क्या बोला गया था, दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड दैट कैन नॉट बी हैम्पर्ड और वॉयलेटेड। सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में स्टूडेंट्स अगले 10, 15, 20, 50 साल जब तक हम सब जीवित हैं, इनफैक्ट हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आती रहेगी, तब तक यू विल सी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का स्कोप और बड़ा होता जाएगा, डायनेमिक होता जाएगा। So with time, Supreme Court and High Court have been interpreting the meaning or the scope of this article. Article 21A, right to elementary education, that is to say primary education का जो right है वो article number 21A में later on add किया गया था. Article number 22, which deals with protection against arrest and detention in certain cases, that is no illegal arrest shall be done. And if any person is arrested, then within 24 hours, you have to produce that person before the magistrate. Magistrate के सामने उस person को आपको produce करना पड़ेगा. So even if you see Article 22, आपको CRPC में कुछ ऐसे provision मिलेंगे, like Section number 56 and 57 of CRPC. Clearly बोला है कि आप अगर किसी person को arrest करके लाते हैं, तो arrest करते ही immediately produce him before the magistrate within 24 hours. सो यू सी सीआरपीसी में कहाँ से वो प्रोविजंस आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से वो प्रोविजंस आए हैं। दैट इज टू से सीआरपीसी में भी ऐसा कुछ नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए। एंड इन टूडे सेशन वी आर गोइंग टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन आर्टिकल नंबर 19, जिसमें हमारा क्लॉज ये कहता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको बोलने का आज़ादी है। इसके बारे में अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, हमने डेफामेशन में पढ़ा था, लॉ ऑफ डेफामेशन। इस क्लॉज को हमें जनरली आईपीसी के साथ पढ़ना होता है। दैट इज टू से इफ आई हैव राइट टू स्पीक एनीथिंग, दैट डजंट मीन दैट आई कैन डिफेम यू, आपके बारे में कुछ भी बोल दूं। नो मैम, यू स्पीक, बट देर आर सर्टन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, आप उन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को वॉयलेट नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इट मीन्स कि दे आर नॉट कंप्लीट इन देमसेल्फ। दैट इज टू से आपको मिला तो है, बट यू कैन नॉट एक्सरसाइज इन सच अ वे दैट यू वॉयलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अदर्स। दैट इज द रीजन इट इज सेड दैट दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का मतलब आप फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कीजिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में फिर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाई जाएगी। अब सोचो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जाती है।
एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में रख दो, हमारे घर की बात कर लेते हैं। पेरेंट्स हमें अलाउ करते हैं, अच्छा ठीक है बेटा जाओ बाहर खेल के आओ, तो क्या 24 आवर्स वो हमें खेलने देते हैं क्या? नहीं, मम्मी बोलती है खेलने जाओ लेकिन जो हमारा लोकेलिटी है उससे बाहर नहीं जाओगे और शाम को 7 बजते ही घर में आ जाओगे। मम्मी खेलने भी दे रहे हो लेकिन फिर भी नहीं खेलने दे रहे हो। अरे तो खेलने दिया ना, 5 से 7 खेलिए बट लोकेलिटी के बाहर नहीं जाएंगे आप और 7 बजे घर में आ जाएंगे। वाई दैट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैज बीन पुट? टू इंश्योर दैट वी आर सेफ, टू इंश्योर कि हम सारे दिन खेलते ही नहीं रहे, वापस आके हम पढ़ाई भी करें, अपना स्कूल भी देखें, अपना एग्जाम्स भी देखें। सो ऑलवेज यू सी देर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मम्मी अगर टीवी चलाने दे रही है, फोन चलाने दे रही है, तो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक के लिए, एंड आफ्टर दैट इट विल बी टेकन बैक फ्रॉम यू। व्हाई? बिकॉज इट इज फॉर आवर गुड, इट इज ऑल्सो फॉर अदर्स गुड। अगर 7 बजे आपको रात को 12-2 बजे खेलने को अलाउ किया तो ऑब्वियसली बात है हम शोर हल्ला करेंगे बाहर, लोगों को डिस्टर्ब होगा, सो दैट वॉन्ट बी अलाउड। सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का एड करने के पीछे का पर्पस ही यही है स्टूडेंट्स, कि कोई भी पर्सन अपना फंडामेंटल राइट इस तरीके से इंजॉय ना करे कि दूसरे पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाए। इफ आई एम गिवन राइट टू राइड माई बाइक, तो मैं अनशन तरीके से किसी भी तरीके से बाइक को राइड कर सकती हूँ, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है दैट मैम यू विल नॉट राइड योर बाइक इन सच अ रैश एंड नेग्लिजेंट वे दैट यू हैम्पर और यू पुट द अदर्स लाइफ इन डेंजर। तो दूसरों की लाइफ मुझे डेंजर में नहीं डालनी, इस तरीके से रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइव में नहीं कर सकती। आपको अपनी जिंदगी की नहीं पड़ी है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों की जिंदगी का तो सोचो, क्लियर है चीज? सो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सरसाइज आवर फंडामेंटल राइट्स। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है दैट व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग योर फंडामेंटल राइट्स एट द सेम टाइम यू हैव सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज टू परफॉर्म। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात करें या हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें, व्हाट आर दीज? These are non-justiciable, non-enforceable. That is to say, अगर कोई perform नहीं भी करे तो उनके विरुद्ध आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब मान लो हम कोई मॉन्यूमेंट देखने गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है कि भाई मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने जा रहे हो, रिच कल्चरल हेरिटेज आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अब हम गए जाकर जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट देखने गए, गर्मियों की छुट्टियां हैं, देखा वहाँ कपल बैठा था और अपना नाम वहाँ पे छाप रहा था, किसी ने दिल बना दिया, किसी ने तारा बना दिया, कुछ भी XYZ नाम लिख दिया, कुछ सपने सोचते हुए कि हाँ चलो कभी तो हकीकत में बदलेंगे, लेकिन कहते हैं ना दिल के अरमान आंसू में बह गए, उनको क्या पता क्या होने वाला है। बट यस दे आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स, रिच अपना जो मॉन्यूमेंट्स है, कल्चरल हेरिटेजेस है, उसके ऊपर ऐसी सारी चीज़ें लिख रहे हैं। अब मेरा मन नहीं हुआ स्टॉप करने का, छोड़ो कौन इनसे दिमाग लगाएगा, या फिर हम जल्दी में थे। सो इज इट दैट आपने मुझे देख लिया, अरे शिवानी मैम आपने इनको कैसे नहीं रोका, यू सी इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दी कल्चरल हेरिटेज। तो वहां पे सब लोग यही आके बोलेंगे इकलौता मेरा थोड़ी ड्यूटी है, जाओ तुम बोल दो उनको, है ना। सो जनरली वी डू नॉट इंटरफियर व्हेन वी सी सच पीपल डूइंग दीज थिंग्स बिकॉज यू फील कि जाने दो अभी लड़ाई हो जाएगी। सो दैट इज द रीजन कि फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखिए जो कि स्टेट के लिए डायरेक्शंस हैं। तो अगर वो कोई परफॉर्म नहीं भी करता है, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज वी कैन नॉट गो एंड फाइल अ केस और फाइल अ सिविल सूट अगेंस्ट सच पीपल हु आर नॉट परफॉर्मिंग देयर फंडामेंटल ड्यूटीज और इफ द स्टेट इज नॉट परफॉर्मिंग देयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर है? बट यस इफ समबडी इज वॉयलेटिंग द फंडामेंटल राइट देन डेफिनेटली हम लोग सबसे पहले जाएंगे, अरे भाई माई फंडामेंटल राइट गॉट ब्रीच्ड, दीज पीपल आर नॉट लेटिंग मी स्लीप, ये स्टूडेंट्स का क्लैट का एग्जाम हो गया, आज आके बड़ा डीजे वगैरह बजा रहे हैं मेरे घर के सामने, इनको बोलो रुक जाए एक बार इनका सिलेक्शन होने दो उसके बाद डीजे बजाना। सो व्हाट इज दिस? दिस इज दैट यू आर नॉट सपोज टू एक्सरसाइज योर फंडामेंटल राइट्स इन अ वे दैट विच हैम्पर्स माय फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू साउंड स्लीप और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। दैट इज वाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर नेसेसरी। एक राइट दिया हमको लेकिन उसके बाद भी एक बाउंड्री बनाई है कि इस हद में रह के हमें अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना है। Clause B says, right to assemble peacefully. मैम आराम से assemble कीजिए, जिधर मर्जी उधर assemble हुई है, पार्टी कीजिए, do anything, but without arms. ऐसे नहीं कि मैम बंदूक वगैरह लेके जा रहे हैं कि 47 सब आतिशबाजी कर रहे हो आप आसमान में, this is not allowed. Okay? Freedom to form associations. Association form कर सकते हैं हम, वो चाहे public good के लिए हो सकता है, किसी particular community के लिए हो सकता है, किसी भी चीज के लिए, but you can form associations. राइट टू मूव फ्रीली इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैम जिधर मन करे इंडिया में वहां पे घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अगर सोचो ये राइट नहीं होता तो भाई घूमने की आजादी नहीं मिल पाती ना हमको अच्छे से। यू कैन मूव फ्रीली इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, किधर भी जाके घूम सकते हो, लेकिन देर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नाउ वी आर सीइंग कि
यूट्यूब पे हमें इतना सारा इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ उभरते हुए सितारे जो कि ऐसी कुछ सेंसेशनल चीज़ें डालते जा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो या पब्लिकली इस इन तरीके से चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेट करना हो। एज यू ऑल नो, दिल्ली मेट्रो केस जो हुआ था, स्पेसिफिकली आई थिंक वो गर्ल से रिलेटेड, हु वॉज नॉट वेयरिंग डिसेंट क्लॉथ्स इन दी मेट्रो। तो वॉट वॉज दैट? वी नो दैट यू हैव राइट टू फ्रीली मूव इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम देर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिसेंसी एंड मोरालिटी। नाउ दैट गर्ल विल कम एंड से दिस इज डिसेंट फॉर मी, दिस इज कम्प्लीटली विद इन माई मॉरल्स, हु आर यू टू आस्क मी वॉट आई एम सपोज टू वेयर एंड वॉट आई एम नॉट सपोज टू वेयर। बट सी, यहाँ पे कोर्ट्स कैसे इंटरप्रेट करता है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर मॉरल वैल्यूज, कल्चर्स एंड योर माइंड सेट, इट इज ऑल्सो अबाउट द मोरालिटी एंड द डिसेंसी दैट द अदर पीपल होल्ड इन देयर आइज। मेरे लिए कुछ चीज़ मॉरल है, कुछ चीज़ इमोरल है, मेरे लिए कोई चीज़ डिसेंट है, कोई चीज़ अनडिसेंट है। सो यू हैव टू नो दैट अदर पीपल अराउंड यू ऑल्सो हैव सर्टन राइट्स, दैट इज टू से कंजर्व द कल्चर और मेक श्योर दैट एवरी थिंग इज डिसेंट अराउंड देम। तो डिसेंसी हैज नॉट जस्ट टू बी जज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन पर्सन। डिसेंसी हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना है? फ्रॉम द होल पॉपुलेशन और द होल वर्ल्ड दैट इज अराउंड यू। क्लियर? सो राइट टू मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, प्रोवाइडेड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का आप क्या नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कहीं भी जाके आपने कचरा वगैरह घिरा दिया या कहीं भी जाके किसी को भी बोल दिया अभद्र रूप से आप पेश आ रहे हैं। ओके, राइट टू सेटल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के टेरिटरी में कहीं पर भी आप सेटल हो सकते हैं। आई एम लिविंग इन जोधपुर राजस्थान। ओके, मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया। यस, इफ आई एम लिविंग, नॉट इफ, लाइक आई एम लिविंग इन जोधपुर राजस्थान। सो टुमारो इफ आई फील लाइक चलो भोपाल चलते हैं, लखनऊ चलते हैं, इलाहाबाद चलते हैं, पटना चल के आते हैं, वहाँ रहेंगे, सो आई कैन स्टे, नो प्रॉब्लम। मैं कहीं भी वहाँ के होटल में रहूँ, मैं वहाँ के किसी के फ्लैट में रहूँ, आप स्टूडेंट्स के किराए का मकान लेके रहूँ। सो वॉट इज दैट राइट टू सेटल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया? अगर सोचो ये राइट नहीं होता और ये बोल दिया जाता नहीं, राजस्थान वाले राजस्थान में ही रहेंगे, जोधपुर वाले जोधपुर में ही रहेंगे, इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू गिव देयर सर्विसेज, राइट? सो वी ऑल हैव राइट टू सेटल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी में कहीं पर भी जाके सेटल होइए, पर्वत पे बैठिए, आप समुद्र के पास जाके बैठिए, नदी के पास जाके बैठो, तालाब के पास जाके बैठो, किधर भी बैठ सकते हो। बैठने का मतलब है सेटल हो सकते हो। सेटल होना एंड फ्रीली मूव करने में दोनों में फर्क है। ओके, राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन हम क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू टीच, मैम यू टीच। स्टूडेंट्स वॉन्ट टू बिकम लॉयर, बिकम लॉयर। आपको कोई ट्रेडिंग करनी है, आप कीजिए। आपको कोई बिजनेस करना है, आप कीजिए, नो प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब मैं एक दिन उठ के बोलूं कि मुझे प्रोफेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, जीवन के इतने साल बिता दिए, कुछ करियर में खास अच्छा नहीं किया, चलो एक काम करते हैं, टेररिस्ट बन जाते हैं। सो मैंने टेररिज्म को एज अ प्रोफेशन बना लिया। इज इट गुड? इज इट अलाउड? नो, इट इज नॉट अलाउड। वाई? बिकॉज दी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ दी यूनिटी इंटीग्रिटी इन द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया विल बी हैम्पर्ड। वो डेंजर में आ जाएगी। तो अगर मैं टेररिज्म यहाँ प्रमोट करती हूँ या टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हूँ, बोलती हूँ भाई आज से अपन टेररिस्ट नहीं, AK-47 लेके उठ रही हूँ, सो रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो दैट इज नॉट अलाउड। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन किसी और कंट्री के साथ क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर वॉट, दीज आर दी फंडामेंटल राइट्स, वो भी कहाँ, आर्टिकल नंबर 19 में। अब इन सारे फंडामेंटल राइट्स जो कि स्पेसिफिकली मैंने आर्टिकल 19 में बात किया है स्टूडेंट्स, उनके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मैं इस तरीके से अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय नहीं कर सकती कि उससे क्या हो सकता है, उससे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हैम्पर हो सकता है। देखो ये सारे ही राइट्स अलग अलग तरीके से हमारे अलग अलग, दैट इज टू से क्लॉज ए से लेके क्लॉज जी तक, सब पर अलग अलग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। बट एक ब्रॉडर वे में हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 19 पे जनरल सारे मुद्दों पर कौन कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। कल मैंने मान लो आ गई आपके घर पे या आ गए आपके लोकेलिटी में और एक माइक उठा के बोल दिया इंडिया पाकिस्तान के बारे में, कुछ भी गलत बोल दिया, सो दैट इज नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पर नुकसान हो सकता है। दैट इज टू से नो, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया यूएसए, इंडिया चाइना के बारे में कुछ मैंने खराब बोल दिया। अगर मैंने इंडिया में ही कोई कम्युनिटी के बारे में कुछ बोल दिया, जैसे कम्युनल राइट्स बढ़ रहे हैं, दो रिलीजन के बारे में बोल दिया जो कि एक डिसेंट वे में नहीं था, जिससे कि कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, दैट इज नॉट अलाउड। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को अगर हैम्पर होता है वहाँ,
पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, अगर मैं आके कुछ भी प्लेटफॉर्म पे गालियां बोलना शुरू कर दूं या इनडिसेंट तरीके से खुद को प्रेजेंट करूं, अरे आई हैव राइट टू मूव फ्रीली इन इंडिया, ट्रेन में कुछ भी कपड़े पहन के चलूं, दैट इज नॉट अलाउड. इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हैं हम, दैट इज टू से आई से कि भाई मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी बोलूं, जज साहब आपको क्या लेन देन. अरे जज साहब को हम ऐसे बात नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. इफ समथिंग और सम ऑर्डर और सम जजमेंट हैव बीन गिवन बाय द कोर्ट, आई हैव टू फॉलो इट. इफ आई डू नॉट फॉलो इट, सेइंग माय राइट टू फ्रीडम, मैं इस ऑर्डर को फॉलो करूं नहीं करूं, मेरी मर्जी. दी होगी जज साहब ने सजा, मैं क्या करूं, मेरी मर्जी, मैं नहीं फॉलो करती. सो दैट इज नॉट अलाउड. आई कैनॉट से आई हैव फंडामेंटल राइट नॉट टू ओबे विद द लॉ और नॉट टू ओबे विद एनी थिंग दैट द जज हैज गिवन. नो, दैट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. दैट इज टू से आई हैव टू डू वॉट कोर्ट हैज सेड, आई हैव टू फॉलो वट डायरेक्शन द कोर्ट हैज गिवन टू मी. नेक्स्ट इज डेफोमेशन. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कैसे यूज नहीं कर सकते जिससे कि किसी पर्सन का डेफोमेशन हो. डेफोमेशन कैसा होता है स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं, सिविल भी होता है एंड क्रिमिनल भी होता है. देर आर टू टाइप्स जिससे डेफोमेशन किया जा सकता है, स्लैंडर एंड लिबल. क्लियर है? नेक्स्ट इज इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. मैं किसी को इंसाइट कर रही हूँ, प्रोवोक कर रही हूँ, उसको अबेटमेंट कर रही हूँ कि जाओ जाओ उस पर्सन को थप्पड़ मार के आ जाओ. ऐसे कैसे थप्पड़ नहीं मारोगे, उसने तुम्हारे बारे में इतना भला बुरा बोला. सो आई कैन नॉट प्रोवोक एनी वन. क्यों प्रोवोक नहीं करना है? क्योंकि उससे कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है. और हमें कोशिश क्या करनी है कि ब्रदरहुड, भाईचारा का प्रमोशन हमें इंडिया में करना है. ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है. क्लियर? सो दीज आर सर्टन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल नंबर 19. ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले आज हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारे क्लैट में पहले आ चुका है. 2022 में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आया था आपके सामने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड. उसके बाद हम एक न्यूली क्रिएटेड PYQ, नॉट PYQ, MCQ को भी डील करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, पैसेज को पढ़ेंगे पहले. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स सर्टन फंडामेंटल राइट्स. कुछ फंडामेंटल राइट्स गारंटी करते हैं, ओके, विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज द फंडामेंटल राइट्स. ओके, हाउएवर दीज फंडामेंटल फ्रीडम्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट एब्सोल्यूट. समझ आ गया जो मैंने आपको वर्ड यूज किया था, नॉट एब्सोल्यूट, एज नो राइट कैन बी, नो राइट कैन बी एब्सोल्यूट. ईच ऑफ दीज फंडामेंटल राइट इज लायबल टू बी कंट्रोल्ड, कर्टेल्ड एंड रेगुलेटेड टू सम एक्सटेंट बाय द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. क्लियर है? इनका कहने का मतलब ये कि फंडामेंटल राइट क्या हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, कर्टेल किया जा सकता है, कर्टेल मतलब आपका राइट फिनिश किया जा सकता है कभी भी, एंड रेगुलेटेड बाय होम, बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. अकॉर्डिंगली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ग्राउंड्स एंड द पर्पसेस फॉर विच द लेजिस्लेचर कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. सो लेजिस्लेचर के पास पावर है स्टूडेंट्स कि वो हमारे ऊपर क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं. किस पे? ऑन द राइट्स गारंटीड टू द सिटीजन. द स्टेट कैन नॉट ट्रैवल बियॉन्ड द कॉन्टोर्स ऑफ दीज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन. कॉन्टोर्स ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, भाई ये हमारा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का स्लैब है, इसके आगे तो स्टेट भी नहीं जा सकती, इसके आगे स्टेट भी नहीं जा सकती है. इन कर्बिंग द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू द सिटीजन. इन कर्बिंग द फंडामेंटल राइट्स, भाई मेरा कोई फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया ना, तो स्टेट मेरे उस फंडामेंटल राइट को कर्ब करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए या वापस रिस्टोर करने के लिए कहां तक आपके फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उतनी ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है जितनी की कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है. देखो स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर द रेस्ट्रिक्शन दैट इज इम्पोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑलवेज टू बी रीजनेबल. रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल, आर्बिट्री, अनफेयर या फिर अनजस्टिस या फिर मैं कहूं कि अनजस्टफुल नहीं होना चाहिए. व्हाइल डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन फंडामेंटल राइट बाय लेजिस्लेशन द कोर्ट इज नॉट कंसर्न विद द नेसेसिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शन. भाई जब भी हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करेंगे तो कोर्ट को किस चीज से लेन देन नहीं है, इज नॉट कंसर्न विद द नेसेसिटी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन. कोर्ट को इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि रेस्ट्रिक्शन जो था वो नेसेसरी था या नहीं था, और द विजडम ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइनिंग इट कि भाई कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत आपने ऐसा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट ओनली
whether the restriction is in excess of the requirement and whether the legislature has overstepped the constitutional limitations. कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इस चीज से मतलब रखेगा या सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान देगा कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कहीं वो लेजिस्लेचर ने अपना पावर एक्सीड करते हुए तो नहीं बना दी. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हुए लेजिस्लेचर या स्टेट ने अपने पावर्स को एक्सीड तो नहीं किया. एंड सेकेंड, क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रह के उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया है या उसको उस लिमिटेशन को ओवरस्टेप कर दिया है. टू ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया आर द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये दो किस्में दे रखे हैं हमें आर्टिकल नंबर 19 में दे रखे हैं. However, the state may impose reasonable restriction on these rights by law in the interest. अब देखो grounds क्या दे रखा है, in the interest of general public or for the protection of the interest of scheduled tribe. So scheduled tribe के interest के protect को के interest को protect करने के लिए या general public के interest को protect करने के लिए हमारा reasonable right या फिर मैं कहूँ fundamental right to reside and settle को क्या कर सकती है, को यहाँ पे curtail किया जा सकता है. For example, students, there are certain communities या फिर certain particular areas जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, scheduled tribes रहते हैं, because they believe in protecting their cultural heritage, they believe in protecting their community, that particular area. तो वहां पर हमें रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, सॉरी मैम आप वहां सेटल नहीं हो सकते. पता चला मैं वहां जा रही हूँ, सेटल हो रही हूँ, कल कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल दी वहां पे, जिससे क्या हो सकता है कल्चरल हेरिटेज या उनका एनवायरनमेंट या कह सकते हैं कि उनके जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट में जो सारे रिसोर्सेज थे वो क्या हो सकते हैं, लॉस्ट हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं. सो इस चीज को स्टॉप करने के लिए, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्केड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए या जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. कौन से राइट्स पर? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया पर एंड राइट टू सेटल एंड रिसाइड इन एनी टेरिटरी और एनी पार्ट ऑफ इंडिया पर. इन दोनों पर, इन ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. सो नाउ लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. अ लॉ वाज इनएक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन राइडिंग अ टू व्हीलर इन इंडिया टू वेयर अ हेलमेट. बोला भाई जो भी टू व्हीलर चलाएंगे उनको हेलमेट पहनना पड़ेगा. फेलिंग विच सच पर्सन वॉज मेड लाइबल टू पे फाइन. अगर कोई पर्सन ऐसा हेलमेट वेयर नहीं करता तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा. मिस्टर एक्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉज फाइंड फॉर वायलेशन ऑफ द सेट प्रोविजन. उसने ऐसा हेलमेट नहीं पहना और उसको ऐसा जो ड्यूटी था इसको ब्रीच करने पर क्या करना पड़ा, फाइन पे करना पड़ा. मिस्टर एक्स चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेट प्रोविजन इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब हमें क्या होता है, जनरली हेलमेट पहनने में जोर आता है ना, जनरली बॉयज को लगता है कि अरे नहीं बाल खराब हो जाएंगे, पर बेटा जिंदगी रहेगी तो बाल भी जीवन भर सर पे अच्छे लगेंगे, है ना. तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू वेयर द हेलमेट एंड वी ऑल हैव सीन जिसने कभी हेलमेट नहीं पहना, हमारे मतलब सबने अपने अपने घरों में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ इंसिडेंट देखा ही देखा है कि हम हमेशा वो घटना होने के बाद सुनते हैं हेलमेट पहना होता तो बच जाता या फिर हेलमेट पहना था इसलिए बच गया है. सो ऑलवेज रिमेंबर हेलमेट हमारे ही प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है. ओके क्लियर. सो फर्स्ट इज द प्रोविजन इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज द रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम टू मूव फ्रीली. अब आप ये बोल सकते हो कि अरे भैया हेलमेट लगा के सांस ही नहीं आ रही है हमको, आप हमें फ्रीली मूव नहीं करने दे रहे इंडिया में. इज इट? नो, इट इज नॉट वायलेटिव. Provision is not violative of the Constitution of India because it is a reasonable restriction on the freedom to move freely throughout the territory of India. क्या बोला है कि ये restriction कैसा है students? Reasonable है. Why is it reasonable? ये general public के interest में है. किसके interest में बनाया गया है? General public के interest में बनाया गया. वरना सरकार को क्या लेन देन, गाड़ी चलाओ घिरो मरो, क्या लेन देन है सरकार को? But to protect the life of the people, to make sure that the interest of the general public is not hampered and अगर किसी का accident होता है तो किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से ऐसा law बनाया गया है, ऐसा provision बनाया गया है parliament द्वारा. So it is what? It is not violative of Constitution of India. Mr. X fundamental right to move freely throughout the territory of India is violated? No, it is not violated. Clear? Moving on to next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ऑफ एक्स वाई जेड यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली
India posted on social networking sites that they would hold a demonstration outside the university campus. कि university campus के बाहर ऐसा demonstration करेंगे, protesting against a recently passed law which made it compulsory for the university students to wear uniforms. भाई अभी university में एक law आ गया और बोला कि सारे students को uniform पहन के आना पड़ेगा. College में क्या है, students generally uniform पहनना पसंद नहीं करते हैं. तो XYZ university के students ने बोला we are going to protest it. So while attending the classes, you have to come to college or university in uniform. इसके against हम protest करेंगे. The students further threatened to use whatever means necessary. कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हथकंडे, कुछ भी तरीके हमको अपनाने पड़े, हम अपनाएंगे. किसके लिए? To stop the oppression of the students. To stop the oppression of students. कि अगर कोई students इस चीज़ को क्या करता है, against जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम हर वो तरीका अपनाएंगे जो कि ज़रूरी हो. Therefore, the state authorities placed barricades around the university campus in order to restrict the movement of the students carrying out the demonstration and ensuring that the demonstration does not turn violent. In the given situation, which of the following statement is correct regarding the act of placing the barricades by the state authorities? State अब यहाँ पे ऐसे barricades लगा सकती है. हमने देखा है generally लगाए जाते हैं. In fact, election में लगाया जाता है. कोई rally निकल रही है तो लगाया जाता है. Religious या कोई festivals हैं तो लगाया जाता है ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, और भीड़ हो भी जाए तो उनको properly control किया जा सके. So now the situation is कि जो barricades लगाए गए हैं state authority द्वारा students, is it violative or is it not violative? The act is violative of the Constitution of India because it is restriction on the freedom to move freely throughout the territory of India. Is it? No, not at all. इन्होंने यहाँ पर ये restriction क्यों लगाया? क्योंकि students ने पहले ही अपना मत दिखा दिया था कि चाहे कोई भी necessary means हमें use करना पड़े, हम इस protest को अच्छे से करेंगे, and जो students इसका suppression करेंगे हम वो नहीं होने देंगे. So the act is not at all violative. Barricades lagana bilkul uchit hai. Act is not violative of the Constitution of India because it is a reasonable restriction in the interest of the general public. Baki options bhi padh lete. Act is violative of the Constitution of India because it is the restriction on the interest of the students. No. In fact, ye to general public ke interest ko protect kar raha hai. Act is not violative of Constitution of India because it is reasonable restriction in the interest of morality. Morality के ground पे नहीं. मैंने आपको हमेशा बोला है legal reasoning के questions attempt करते हुए students, आपको right option plus एक और कौन सी चीज पे focus करना है? Valid reason. वैलिड रीजन कहां से पता चलेगा स्टूडेंट्स आपको? पैसेज से पता चले. अब मोरालिटी भी हो सकता था, लेकिन हमारा पैसेज किस पे फोकस करता है? जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द स्टेट पास्ड एन एक्सटर्नमेंट ऑर्डर अगेंस्ट मिस्टर ए द सिटीजन ऑफ इंडिया. एक्सटर्नमेंट ऑर्डर, आपको एक्सटर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्डर निकाल दे ताकि आपको प्रोहिबिट कर सके किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए, वहां मूव करने के लिए. The externment order prohibited Mr. A from residing within the state from the date specified in such order. बोल दिया कि भाई आज 1st August 2023 है, अभी आई नहीं है ये डेट, लेकिन इस डेट से मान लीजिए, इस डे पे आए, मान लीजिए 1st January 2023 से आप इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं रह सकते हैं. Externment order was passed by virtue of power conferred upon the appropriate authority by law and the constitutional validity of this law has to be upheld by the Supreme Court of India. Had been upheld by the Supreme Court of India. So, basically, ये appropriate authority ने, अच्छे से सुनना, appropriate authority ने ये externment order कैसे जो है निकाला, या कौन से basis पे उन्होंने ये pass किया है? By the virtue of the power जो कि उनको law से मिला. ऐसा law जिन्होंने खुद वो appropriate authority को क्या-क्या empower किया कि आप ऐसा law, हमने ऐसा लॉ बना दिया, यू कैन एक्सरसाइज सच पावर्स. एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को क्या किया था? अपहेल्ड कर दिया. द एक्सटर्नमेंट ऑर्डर वॉज पास्ड ऑन द ग्राउंड दैट मिस्टर ए वॉज फाउंड टू बी फ्रीक्वेंटली एंगेज इन इलीगल बिजनेस ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेवरल केसेज ऑफ राइट्स एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन. अब कौन से ग्राउंड्स पर
हमें हमने अथॉरिटी को लॉ बना के पावर तो दिया कि आप किसी के अगेंस्ट जैसा एक्सटर्नमेंट ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने रीजंस क्या दिए उस पर्सन को वहां से प्रोहिबिट करने के लिए? उन्होंने बोला कि मिस्टर ए जो है फ्रीक्वेंटली नार्कोटिक ड्रग्स अप्लाई कर रहा है या उसमें एंगेज है. नार्कोटिक ड्रग्स में क्या आ जाता है आपका? गांजा, ये जो भी सारी चीजें होती है, ड्रग्स वगैरह, ये सारी आ जाती है उसमें. ओके, एंड सेवरल राइट्स और क्रिमिनल इंटिमिडेशन में भी इन्वॉल्व था. इन द गिवन सिचुएशन Which of the following statement is correct regarding the externment order? अब देखो, अगर मुझे अपनी लोकैलिटी में इस ग्राउंड पे कि मैम आप नार्कोटिक ड्रग वगैरह सप्लाई कर रहे हैं, रोज अपने मोहल्ले वाले लोगों को धमका रहे हैं, आए दिन किसी को भी कूट देते हैं अपने मोहल्ले में, सो दिस इज अलाउड. आई मीन टू से ऐसा ऑर्डर पारित करके मुझे प्रोहिबिट करना इन चीजों के लिए इज अलाउड. मुझे बोला जा सकता है मैम यू आर नॉट अलाउड टू स्टे इन दिस लोकैलिटी, आप शांति भंग कर रहे हो, ब्रीच ऑफ पीस कर रहे हो लोकैलिटी का, सो दिस इज अलाउड. It is reasonable restriction on Mr. A's fundamental right of free movement through the territory of India? No, it is not a reasonable restriction. Next, एक मिनट students. Yes, it is in fact, it is a reasonable restriction. क्या है ये? It is a reasonable restriction. मतलब हमने बोला externment order क्या है students? बिल्कुल valid है. क्या है? बिल्कुल valid है. Valid क्यों है? क्योंकि हम in grounds पे, that is to say पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के ग्राउंड्स पे हम क्या कर सकते हैं? ऐसा ऑर्डर पारित कर सकते हैं. किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट को कर्टेल किया जा सकता है. सो इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन मिस्टर एज फंडामेंटल राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ऑप्शन बी, इट इज अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. नो, इट इज नॉट एन अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. सी, इट इज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्री मूवमेंट, राइट ऑफ फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. नॉट एट ऑल. It is unreasonable restriction on Mr. A's fundamental right of free movement throughout the territory of India. No, it is not an unreasonable restriction. Restriction is completely reasonable. समझ आ रहा है सबको restriction reasonable क्यों है? क्योंकि हमको पता है कि कौन से grounds पे हमने उसको stop किया है. Narcotic drugs में included है, crime कर रहा है, rights कर रहा है, criminal intimidation कर रहा है. Okay? And also, your appropriate authority is empowered by the law. Law ने खुद empower किया ना कि आप ऐसा externment order pass कर सकते हो किसी भी person के against. Next situation. I hope the question is not hiding behind me. Options है, do not worry, मैं options आपको पढ़ के सुना दूंगी. ठीक है, clear है students? चलिए, moving on to next question. Mr. Z, a citizen of India, was issued a passport on 1st June 2020. क्या मिला उसको? Passport मिला by the passport officer. Mr. Z was due to travel to Spain. अच्छा, July 15, 2021. आज से भाई 6 महीने बाद क्या करने वाला था? Mr. Z Spain जाने वाला था. Okay? On July 11, 4 दिन पहले. अच्छा, 1.5 साल बाद जाने वाला था. कब जाने वाला था? 1.5 साल बाद. So on July 11, 2021, 4 दिन पहले क्या किया? Mr. B received a letter from the regional passport officer. Intimating him. किस चीज का intimate कर रहा है? Intimating him मतलब informing him about what? That it was decided by the government of India to seize his passport in the public interest. Public interest के लिए हम किसी person का passport seize कर रहे हैं, ऐसा government ने reason दिया. Mr. Z was required to surrender his passport within 7 days of the receipt of that letter. In the given situation, which of the following statement is correct? इसमें से कौन सा statement correct है? सारे options पढ़ेंगे. Option number A कहता है, Mr. Z can challenge the letter on the ground that it is violative of his fundamental right of freedom throughout the territory of India. अब देखो, government of India ने decide किया है, government of India to seize his passport किस grounds के लिए? Grounds देखो, public interest के grounds के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस person का passport seize कर रहे हैं. It is allowed. Next option बोल रहा है, Mr. Z can challenge on the grounds that it is violative of his fundamental right to reside and settle in any part of India. Or first kya tha? Free movement. Next option, Z can challenge the letter on the ground that it is violative of the law relating to passports in India. Not at all, ye to point hi nahi banta. Last option, Mr. Z cannot challenge the letter on the ground it is violative of fundamental rights of free movement throughout the territory of India or to the residence and settlement in any part. So basically Mr. Z dono hi grounds pe इस गवर्नमेंट के एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकता है. कौन से ग्राउंड्स पे? कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वॉयलेट हुआ है, और दूसरा टू सेटल एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये वॉयलेट हुआ है.
इन दोनों ही ग्राउंड्स पर मिस्टर जेड क्या नहीं कर सकता है, यहाँ गवर्नमेंट का इस एक्ट को चैलेंज नहीं कर सकता है, बिकॉज रीजन क्या दिया था गवर्नमेंट ने, इन दी पब्लिक इंटरेस्ट, इन दी पब्लिक इंटरेस्ट. पता चल रहा है कि भाई अगर मान लो पता चलता है कि मिस्टर जेड तो एक टेररिस्ट है और यहाँ से एक्ट करके किसी का मर्डर वर्डर करके किसी को गोलीबारी मार के ये तो बाहर स्पेन जाने की तैयारी कर रहा है, सो इन दैट केस द पासपोर्ट कैन बी सीज्ड. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. क्या है इनकरेक्ट, हमें एक मतलब एक क्या होगा इनकरेक्ट होगा और तीन हमारे करेक्ट होंगे. सो लेट्स सी इसमें से करेक्ट कौन कौन से हैं, तो इनकरेक्ट अपना आप आउट हो जाएगा. फर्स्ट, फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस इन द एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर सैक्रोसेंक्ट एंड आर गारंटीड टू ऑल द सिटीजन. यस, सैक्रोसेंक्ट इज वेरी बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, द क्रक्स ऑफ द पर्टिकुलर राइट. यस, एंड इट इज गारंटीड टू ऑल द सिटीजन. यस, इट इज गारंटीड टू ऑल द सिटीजन. ये तो राइट है. Fundamental right to movement and residence in any part of India are sacrosanct but are guaranteed subject to the reasonable restriction. Yes, reasonable restriction bhi lagi hoti hai. Reasonable restriction may be imposed on fundamental right to movement and residence in any part of India by law. Yes, bilkul reasonable restriction lagaya ja sakta hai. Constitutional validity of law imposing reasonable restriction of fundamental right can be challenged by a citizen before the legislature. अगर स्टूडेंट्स आपका कोई भी फंडामेंटल लॉ वायलेट होता है किसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को लगाने से, तो क्या आप उसको लेजिस्लेचर के सामने चैलेंज करेंगे क्या? नो, हम लेजिस्लेचर के सामने नहीं स्टूडेंट्स, हम कहाँ चैलेंज करेंगे, जुडिशरी के सामने चैलेंज करेंगे, जज साहब के सामने चैलेंज करेंगे. सो व्हाट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट. क्लियर है ये चीज? अगर ये चीज क्लियर है तो हम चलेंगे अपने अगले पैसेज की तरफ जो थोड़ा सा बड़ा पैसेज है लेकिन हमको अच्छे से पढ़ना है. क्लियर? अब सुनो, एवरी डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन ऑन द प्लैनेट इज बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ फ्री स्पीच. कि भाई डेमोक्रेसी के लिए क्या जरूरी है, सॉरी डेमोक्रेसी के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड. क्योंकि अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑपोजिशन नहीं है, प्रॉपर क्रिटिसाइज करने के लिए अगर कोई पार्टी नहीं है, तो एक जो ऐसी पार्टी जो सत्ता में है उनकी गलतियां जनता को दिखाएगा कौन? बराबर. द फ्रीडम टू टॉक फ्रीली एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर इज एट द हार्ट ऑफ द फ्री स्पीच. सबके पास अधिकार है, किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं. ओके, Article 19(1)(a) of the Constitution of India guarantees this basic right to free speech and expression. As per the International Covenant on Civil and Political Rights, right to free speech is recognized under international human rights law, while Article 19 of Universal Declaration of Human Rights (UDHR) recognizes freedom of expression as a human right. Barabar. So dekho, इन्होंने क्या बोला है, द राइट ऑफ फ्री स्पीच इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ. सो ICCPR ने हमारे राइट टू फ्री स्पीच को क्या रिकॉग्नाइज किया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ बोला. एंड UDHR ने क्या बोला कि भाई राइट टू एक्सप्रेशन क्या है, ह्यूमन राइट है. तो दोनों के ही अकॉर्डिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, मानव अधिकार है ये आपका, कोई आपको बोलने से रोक नहीं सकता है. एज free expression is not an unqualified right, hence limits are placed upon this right. Unqualified rights matlab kya hai, not absolute. Agar koi bhi student's right qualified right hota hai, qualified right hota hai matlab wo absolute right hai, aur absolute right ka matlab kya hota hai, no reasonable restriction. But India mein fundamental rights kaise hai, India mein students fundamental rights unabsolute hai ya non absolute hai, because wahan reasonable restriction लग सकता है. ओके, हेंस द लिमिट्स आर इन द प्लेस अपॉन दिस राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2. द प्रिविलेज ऑफ फ्री एक्सप्रेशन इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) सोली टू इंडियन सिटीजन एंड नॉट टू एनीवन हु इज अ फॉरेनर एंड नॉट अ इंडियन सिटीजन. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी स्टूडेंट्स आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब एंड अप डील करेंगे, आई विल बी टेलिंग यू दैट देयर आर सर्टेन राइट्स व्हिच आर अवेलेबल टू ऑल पर्संस irrespective of कि इंडिया का वो सिटीजन है या कोई फॉरनर आ रहा है. लेकिन कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, जैसे कि राइट टू वोट हो गया है, राइट टू इक्वालिटी हो गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया है. लेकिन अगर मैं बात करूँ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की, तो वो तो इंडियन को भी अवेलेबल है और वो तो सिटीजन फॉरनर को भी अवेलेबल है.
ऐसा थोड़ी ना है कि यूएसए से कोई पर्सन आया घूमने के लिए जोधपुर में, आया मेहरानगढ़ फोर्ट में, और मैंने जाके उसका नाक दबा दिया, ओ भाई साहब आप तो आते ही नहीं हो हमारे आर्टिकल नंबर 21 के परव्यू में। नॉट अलाउड, बिकॉज आर्टिकल नंबर 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सबको अवेलेबल है, बीट द सिटीजन ऑफ इंडिया और बीट द नॉन सिटीजन दैट इज अ फॉरनर इन द इंडिया। क्लियर है? तो आप ऐसे किसी फॉरनर को भी नहीं बोल सकते कि इधर मत बैठो, उधर मत सोइए, आप ये खाना नहीं खा सकते। नो, दे ऑल हैव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, इस ग्राउंड्स पे कि वो फॉरनर्स हैं, हम उनसे उनका बेसिक राइट नहीं छीन सकते जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको ही दिया है। द राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस वंस व्यूज एंड ओपिनियन बाय वर्ड्स, लिटरेचर, पब्लिशिंग, इलस्ट्रेशन और एनी अदर मेथड इज नोन एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एज अ रिजल्ट इट एनकॉम्पसेस, अपने आप में क्या क्या लेके बैठा है, एनकॉम्पसेस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वंस आइडिया। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने आइडियाज रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फीलिंग, ओपिनियन एंड थॉट्स थ्रू एनी कम्युनिकेटिव मीडिया और विजुअल रिप्रेजेंटेशन सच एज साइन, सिग्नेचर, सिंबल एंड द लाइक। एक बात बताओ, अच्छा लाइक से याद आया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी एनी यू नो, चलो हम यूट्यूब की बात कर लेते हैं, आपको अगर मेरा सेशन पसंद आएगा तो आप थम्स अप करोगे, सो व्हाट इज दैट, दैट इज आल्सो योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टू एक्सप्रेस योर व्यूज विद रिगार्ड टू माय क्लास एंड द क्वालिटी ऑफ माय क्लास। इफ यू डू नॉट लाइक माय क्लास, आप क्या करोगे, डिसलाइक करोगे। सेम गोज विद व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुछ चीज पसंद आई है तो आप वहां पे लाइक करेंगे, ज्यादा ही पसंद आई है तो हार्ट की इमोजी छोड़ के जाएंगे, राइट? सो व्हाट आर दीस, दिस इज आल्सो अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स समथिंग। Everyone in the Indian societal structure is allowed to create their own opinion and openly express them to others. है ना, express कर सकते हैं, except parents. ज़्यादा parents के सामने अपना opinion रखा तो फिर parents भी रख देंगे. The basic concept at the play in the implementation of the concerned right is the entitlement of the people to obtain information. तो उन्होंने क्या बोला? The basic concept at the play in the implementation of the concerned right, is right ko implement karne ka basic reason kya hai, basic concept kya hai iske piche, is the entitlement of people to obtain information. Hum log kyun ek dusre se baat karte hain, taki information aur gyan ka aadan pradan ho, nahi to ek vyakti puri zindagi chup baitha rahega, kuch usko samajh aayega, palle padega, nahi palle padega, usko koi samajh nahi payega, wo kisi ko samajh nahi payega. So jo bhi hum baat kare, for example if I'm speaking something, what am I doing, I'm trying to communicate with you. Isiliye kehte hain na ki कम्युनिकेशन के लिए स्टूडेंट्स क्या जरूरी है, लैंग्वेज जरूरी है. व्हाट इज नेसेसरी, लैंग्वेज इज नेसेसरी. अब ह्यूमंस की भी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज एनिमल्स की भी होती है, एंड लैंग्वेज क्या है, या तो हिंदी या इंग्लिश. सो ऑलवेज रिमेंबर, हिंदी और इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट. हम इसको सब्जेक्ट सब्जेक्ट बोलते रहते हैं, बट हिंदी एंड इंग्लिश आर दी लैंग्वेजेस, एंड लैंग्वेज इज व्हाट, लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन. And language consists of what? Language consists of words. Word consists of what? Words consists of letters. So there are units in every words and letters. Understood? So always remember, English is a language, Hindi is a language, and that is a mode of communication. In fact, science वगैरह भी क्या हो गई? ये भी एक language है जिससे मैं अगर कुछ बोलना चाहती हूँ तो आपको वो समझ आना चाहिए. Okay? As a result, every individual who deems that citizen engaged in governmental activity is necessary should enthusiastically promote freedom of speech. कि भाई जो भी governmental activities में included है उसको क्या promote करना है, freedom of speech promote करना है. ये passage थोड़ा लंबा है but ठीक है. Because of a community's significant interest in free expression, the government must be more cautious when imposing tax on the item linked to the newspaper and media business than when imposing tax on other items. कि भाई हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत अति महत्वपूर्ण है, इसलिए गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि जब वो न्यूज़पेपर और मीडिया पे टैक्स इम्पोज कर रहे हैं तो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट है. दूसरी चीजों पर टैक्स इम्पोज कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब न्यूज़पेपर एंड मीडिया पे टैक्स इम्पोज किया जा रहा है. हाउएवर, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, वेदर रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल और मैनिफेस्टेशन ऑफ सम अदर इश्यूज that causes public disturbance, acts as a nuisance or results in some concrete private or public harm, do not fall in the ambit of 19(1)A. क्योंकि 19(1)A में ये सब कहाँ कहाँ पे restricted है, defamation में restricted है, general public interest में restricted है. अगर कोई public disturbance हो रहा है, nuisance हो रहा है, public या private harm किसी को cause हो रहा है, तो that in that way आप अपना article 19(1)A, that is to say right to freedom of speech and expression use नहीं कर सकते.
कमर्शियल एंड क्रिएटिव स्पीच इज नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन इंडियन सेट ऑफ लॉज. हाउएवर इंडियन लॉ हैज सिग्निफिकेंटली इवॉल्व्ड एंड इम्प्रूव्ड एंड इन द लाइंस ऑफ द सेम द सुप्रीम कोर्ट हैज ओपिनियन दैट कमर्शियल स्पीच कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द शील्ड ऑफ 19(1)(a) कि भाई कमर्शियल स्पीच को आप 19(1)(a) में रोक नहीं सकते. अब कमर्शियल स्पीच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 19(1)(a). It was decided by the court that the aspect of commercial speech is well protected under the constitution provided right to free speech. The freedom to access, consume and attend commercial speech is guaranteed to all these citizens. Artistic expression such as right to paint, mime, dance, compose, to create poetry, literary pieces falls under the umbrella of freedom of speech and expression. It's worth noting that the scope of right to free speech as per 19(1)(a) has been broadened. Uska scope kya hua hai? Bada hua hai. To encompass the right to receive and transmit information. Koi bhi kisi ko information bhi transmit kar sakta hai. Ye right to freedom of speech and expression mein aata hai. Jo ki main abhi kar rahi hoon. In the state of Uttar Pradesh versus Raj Narayan, Supreme Court concluded that Article 19(1)(a) of the Constitution bestows upon every citizen the right to indulge in free speech as well as right to receive and spread information on the topics of public importance. किसी भी public importance पे, किसी भी public importance पे students मैं क्या कर सकती हूँ? कोई भी topic बना सकती हूँ. आपने देखा ही अब मेरे shorts, है ना? काफी सारे comments भी देखती हूँ मैं उसपे आपके. तो क्या है? वो एक तरीके से एक public कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन है जो मैं देना चाहती हूँ, जिससे कि हम क्या कर सके, अपने चैनल पे लोगों को सजग कर सके. कुछ ऐसे लॉज है, बेसिक लॉज है जो आम जनता को पता होना ही होना चाहिए. सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर आर एम्बिट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. वाई? बिकॉज वहाँ रीजन क्या है? पब्लिक इंपॉर्टेंस. द फ्रीडम टू कलेक्ट एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन and broadcasting, government of india versus cricket association of bengal, to inke in is case mein kya bola gaya? Freedom to collect and communicate information is included in article 19(1)(a). For each person the print media is a strong instrument for disseminating and receiving the information. Clear? Now let's come to the questions. First question is that Mr. A is a citizen of india residing in Preet Vihar colony in New Delhi. His brother-in-law from Canada came to visit India on his vacation, saw the farmers' protest going on in Punjab. Affected by this, he moved from place to place in Punjab, making provocative speeches against the government. Okay, next. When he was arrested, he claimed that he has right to speech and expression and hence his arrest is in contravention to such right. Is he right in claiming so? पहले हमने already इस passage में पढ़ा है कि right to speech and expression सिर्फ और सिर्फ Indians को allowed है. किसको allowed है? Indians को allowed है. और किसको allowed नहीं है? And किसको allowed नहीं है? Foreigners को allowed नहीं है. तो क्या ये right है कि वो ये right claim कर सकता है? No, he cannot claim the right because he is a foreigner. Okay? Yes, he is right in claiming so because his speech comes under right to speech and expression. No. No, he is not right in claiming so because his speeches were targeting the government. Chalo, ye bhi lagbhag sahi lag raha, but let's see for the appropriate answer. No, he is not right in claiming so because he is a foreigner and not the citizen of India. So, मैंने हमेशा बोला है, legal reasoning में right option के साथ साथ हमें valid reason भी देखना है. और passage में reason क्या दे रखा था? कि सिर्फ और सिर्फ Indian citizens को ये right available है, not to the foreigners. Next question. Mr. A is a citizen of India, residing in Preet Vihar colony in New Delhi. His brother-in-law from Canada came to visit India on his vacation, saw the farmers' protest going on in the Punjab. Affected by this, he moved from place to place in Punjab, making speeches about the condition of the farmer, and he was assisted by Mr. A. Speech diya farmer ki conditions ke baare mein, and usko assist kisne kiya? Uske behno ne, na jija ji ne, Mr. A ne. When A was arrested, he said that his right to freedom has been violated. Mr. A kaun hai? Citizen of India hai. Is he right in claiming so? No, since his speeches were provocative, falls out of the ambit of. Yahan par kahan uska speech provocative tha? Tha kya provocative? Nahi. Ye to pichle passage, pichle question mein tha. Yes, since he is right to express his views by the means of speech, bilkul.
एंड नेक्स्ट यस ही इज राइट सिंस मिस्टर ए इज द सिटीजन ऑफ इंडिया. तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं. सो राइट आंसर इज डी बोथ बी एंड सी. देखो कौन कौन से ग्राउंड्स पे. पहला तो आप इस ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. दूसरा वो इंडियन सिटीजन है और दोनों ही ग्राउंड्स पे आप क्या नहीं कर सकते, उसका ये राइट वॉयलेट नहीं कर सकते. ही कैन क्लेम द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. HPCA इज अ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है. रिसेंटली एज अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट इज टू बी होस्टेड बाय HPCA. है ना, अंडर 23 का यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिकेट होने वाला है. नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ HPCA wants दिस टूर्नामेंट टू बी टेलीकास्टेड लाइव ऑन 9 टाइम्स TV. बराबर हो जाएगा. फॉर दिस इट गिव्स ब्रॉडकास्टिंग राइट्स टू द सेट चैनल. अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज इज इट राइट टू डू सो. यस दे सकते हैं ना. क्या हम किसी को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं दे सकते क्या? देखो स्टूडेंट, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वो चीज़ है जहाँ से बहुत पैसा आता है. एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैं BCCI की, BCCI अर्न कहाँ से करता है? ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से. डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स BCCI से डिमांड करते हैं कि भाई हम IPL हो गया, क्रिकेट हो गया, ये फलाना टूर्नामेंट हो गया, इसका टेलीकास्ट हम अपने चैनल पे करना चाहते हैं. BCCI बोलता है ओके गो डू इट, बट द चैनल्स हैव टू पे अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू BCCI टू टेलीकास्ट दैट. वहां पे उनको मिलते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स. क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर क्या ऐसा राइट दिया जा सकता है ऐसी चैनल्स को? बिल्कुल दिया जा सकता है. नो, सिंस ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग द ब्रॉडकास्टिंग आर टू बी टेकन बाय BCCI एंड नॉट द स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स. रॉन्ग, ऐसा हमारे पैसेज में कुछ नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दे रखा है. नो, सिंस द स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स हैव नो मैंडेट टू ब्रॉडकास्टिंग मैच. गलत. यस, since the freedom to collect and communicate information is included in 19(1)A of the constitution. तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये information collect करेंगे. कहाँ से collect करेंगे? जो cricket होगा, match होगा, वो channels वहाँ से information collect करेंगे. That is to say, जो भी यहाँ पे match को conduct करवा रहे हैं, वहाँ से वो proper recording होने वाली है. इन channels को वो information मिलने वाली है and then further they are going to communicate the information to the public by using their broadcasting rights. Clear? Question number 4. It says, BNT is an NGO of USA which works for the right of LGBTQIA community. Recently, when a news about a bisexual person being beaten to death in Mumbai came up, the Indian wing of BNT started demonstration against such acts. During the demonstration, Mr. QR, a citizen of India and the follower of BNT, threw a stone which shattered the window glass of the building. Does it comes under the article 19? क्या article 19 पे, क्या ये article 19 में allowed है? मान लीजिए एक छोटा सा example लेते हैं. मेरे पड़ोसी से मेरी अनबन थी, ठीक है. अब पड़ोसी ने क्या क्या आके किसी दिन कुछ सुना दिया हमको, या मान लीजिए हमारे घर का कोई छोटा बच्चा था, खेल रहा था, उसको थप्पड़ मार दिया. अब उन्होंने अगर थप्पड़ मार दिया, so am I allowed to throw a stone on their house, और उनका कांच तोड़ना, शीशा तोड़ना, और मैं ये बोलवा रहे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे गुस्सा आ रहा था तो मैंने अपना गुस्सा ऐसे दिखाया कि आपके घर पे पत्थर मार के फेंका. सो इज इट अलाउड, एम आई अलाउड टू डू सच थिंग्स? अगर इस तरीके से मैं हर किसी के घर पे पत्थर मारने लगू बेटा, तो सबके माथे फूट जाएंगे, सबके सर फूट जाएंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन यस, सिंस द NGO हैज द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू रेज द वॉइस ऑफ LGBTQIA कम्युनिटी. नो, नॉट एट ऑल. बेसिकली इन्होंने ये पूछा है कि जो फॉलोअर था BNT कम्युनिटी का, BNT इसका NGO का, जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया भी था, क्या वो ऐसे चीज़ों से अगर गुस्से में आया है तो क्या वो ऐसा स्टोन फेंक सकता है क्या डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त? क्या डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट हम ऐसे वायलेंट होके कंडक्ट कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? नो. अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना, प्रोटेस्ट करना, तो साइलेंटली कीजिए. नेक्स्ट, नो, सिंस द डेमोन्स्ट्रेशन लेड टू पब्लिक और द प्राइवेट हार्म. नेक्स्ट इज नो, BNT इज अ फॉरनर ऑर्गेनाइजेशन. इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में मिस्टर QR कौन था? इंडियन सिटीजन था. ओके, सो भले ही आप इंडियन सिटीजन हो, बस इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते जिससे कि पब्लिक या प्राइवेट राइट हैम्पर हो. लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे सेगमेंट इज, BNT इज एन NGO ऑफ USA विच वर्क फॉर द राइट ऑफ LGBTQIA कम्युनिटी. Recently, when the news about the bisexual person being beaten to death in San Francisco came up,
BNT started demonstration against such act. During the demonstration, Mr. QR, a follower of BNT, threw a stone which shattered the window glass of the building. Does it comes under Article 19? क्या ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है क्या? फर्स्ट इज देखो, भले आपके पास राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, आप ऐसे पत्थरबाजी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इवन इफ यू आर अ सिटीजन और इवन इफ यू आर अ नॉन सिटीजन. ओके, क्लियर? ये बोल रहे हैं यस, ये तो आंसर ही गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि इस तरीके से हार्मफुल एक्ट हम नहीं कर सकते अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय करने के लिए. नो, सिंस द डेमोन्स्ट्रेशन लेड टू पब्लिक और प्राइवेट हार्म. बराबर, फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया. नेक्स्ट, no, BNT is a foreign organization. Clear hai? So right answer over here will be B and C. Kya rahega? B and C yahan pe rehne wala hai. Recently when a news about bisexual person beaten to death in San Francisco came up, BNT started a demonstration. During the demonstration, Mr. QR, a follower of BNT, threw a stone which shattered the window glass of the building. Does it comes under Article 19? No, it does not comes. दोनों ही ऑप्शन सही है स्टूडेंट्स, दोनों ही ऑप्शन सही है. अब मान लो, एक ऑप्शन सोचो, एक ये चीज सोचो कि इवन इफ यहां पर हम ये बोल देते कि ये जो पर्सन है बीएनटी, ये इंडियन है. क्या है? इंडियन है. तो भी क्या उस पर्सन को ये राइट अवेलेबल होता? नहीं होता ये राइट अवेलेबल, क्योंकि उसने क्या किया है? पब्लिक एंड प्राइवेट हार्म किया है. और दूसरा, यहाँ पे जो बीएनटी है वो क्या है? फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है. वो क्या है? यहाँ पर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है. So, according to me, right answer will be D, that is both B and C. Clear है ये चीज? अब समझ आया कि क्यों यहाँ पे, अब BNT यहाँ पे foreign organization है, तो यहाँ पे हमें फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं बोला है कि यहाँ पे कोई इंडियन वाला मामला है. देखो, यहाँ पे मिस्टर QR कौन था? इंडियन सिटीजन था. इंडियन सिटीजन को तो अवेलेबल है, बस कहाँ पे अवेलेबल नहीं है? अगर वो पब्लिक या प्राइवेट राइट कर रहा है. लेकिन यहाँ पर क्या है, BNT एक तो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए भी अवेलेबल नहीं है उसको ये राइट, और दूसरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो आपके QR ने, जो कि BNT का फॉलोअर है, उसने क्या किया है? पब्लिक और प्राइवेट राइट को हैम्पर किया है. इसलिए पब्लिक या प्राइवेट हार्म किया है, इसलिए भी उसको ऐसा आर्टिकल नंबर 19 के अंदर ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, और ना ही ऐसी चीजें आर्टिकल नंबर 19 में इंक्लूडेड है. सो आर्टिकल नंबर 19 के लिए क्या होना जरूरी है? सबसे पहले आपने सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, एंड BNT क्या है? यहाँ पे फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है. सो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन. नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैंने ये पूछा था कि परजरी का मीनिंग क्या होता है. परजरी का मीनिंग ये होता है कि आप कोई झूठे साक्ष्य दे रहे हो, यू आर टेलिंग लाइज इन द कोर्ट, और मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर द ओथ. अगर ओथ आपको दिया गया ना कि गीता की कसम खाओ मैं सच बोलूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, उसके बाद भी आपने जाके झूठे साक्ष्य, झूठे एविडेंसेस दिए, कोर्ट में जाके गलत बोला है, दैट अमाउंट्स टू परजरी. एंड देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द राइट आंसर. और आज का होमवर्क क्या है? नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. नाउ अब कितने हैं ये आपको नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. एंड लास्ट टाइम ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर इज मनीष कुमार, आरती तिवारी, शस्ति कुमारी, शैरन मैथ्यूज, पूनम यादव, इट इज अकर्ट्स, AKARTZ6551. अपने जो आपके ID, अगर नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मैं आपको प्रॉपर स्पेल करके बता दूंगी उसको. के भूमिका साधवाने, नवीन सिहाग, स्पार्कलिंग सोल, दिव्यांका सिन्हा, आकांक्षा सिंह, जानवी शर्मा, अर्चना राज, रियल मी, नैना राजपूत, अंशुमन, NLU2836, अननोन JR, एंड दिव्यांशी सिंह. सो यू ऑल हैव गिवन द राइट आंसर. अराउंड 1920 स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर. एंड मेक श्योर दैट यू कीप ऑन स्टडिंग कंसिस्टेंटली. एंड आई होप आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा. And in case if you feel that you want to connect with me, you have any doubt to which you want me to address or resort to, then you can join my Telegram group, Shivani Solanki. Shivani Solanki डालोगे, you will search, you will get to see my group on Telegram. वहाँ पे I have pinned a link or a message. जैसे ही आप उस link पे click करोगे, a chat box will open and you can drop your message down there. I will revert back to that message very soon. So yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.